जेंडर आधारित कार्य के समय में अंतर। यह जानना रोचक होगा कि वास्तव में महिलाएं कितने घंटे कार्य करती हैं और पुरुष कितने घंटे कार्य करते हैं। दोनों के कार्यों और काम के घंटों में कितना अंतर है, यह एक सर्वेक्षण से पता चलता है। आप अपने परिवार या आसपास रहने वाले परिवारों में भी महिलाओं व पुरुषों द्वारा दैनिक किए जाने वाले कार्यों एवं काम के घंटों के बारे में जानकारी प्राप्त करें एवं समूह में चर्चा करें। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ कार्य एवं पारिश्रमिक में भेदभाव किया जाता है। इस संबंध में शासन स्तर पर समान वेतन संबंधी कानून बनाए गए हैं, फिर भी यह हक महिलाओं को अशासकीय क्षेत्र में नहीं मिलता। कृषि क्षेत्र में उन्हें न तो समान मजदूरी दी जाती है और न ही कृषक समझा जाता है। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग 60% पारिश्रमिक ही दिया जाता है। इन बातों से यह स्पष्ट है कि श्रम रोजगार एवं पारिश्रमिक के क्षेत्र में महिलाओं के प्रति काफी भेदभाव और असमानता है। श्यामलाल के परिवार की तरह ऐसे न जाने कितनी ही कहानियां हैं जिनमें लड़कियां अशिक्षित रह जाती हैं। चूंकि परिवार में सारे निर्णय सिर्फ पुरुष लेते हैं, इस तरह महिलाओं का शोषण होते रहता है। श्यामलाल ने जिस तरह के विचार व्यक्त किए और अपनी पत्नी रामवती को काम पर जाने से रोका, इस तरह के विचारों वाले लोग हमारे समाज में अधिक संख्या में हैं। ऐसे लोग पुराने समय से चले आ रहे रीति रिवाजों तथा आदतों की वजह से ऐसा मानते हैं कि घर में या घर से बाहर निर्णय लेने का अधिकार केवल पुरुषों का ही होना चाहिए तथा महिलाओं को उनकी बातों को मानकर बिना कोई प्रश्न किए निर्णयों को स्वीकार करना चाहिए। क्या आपने सोचा है कि जिन रीति रिवाजों को लोग मानते आ रहे हैं उन्हें किसने बनाया? पुराने रीति रिवाजों से पुरुषों का वर्चस्व कैसे बढ़ता है? महिलाएं ऐसे रीति रिवाजों को क्यों नहीं तोड़ पाती? रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से कई समाज सुधारकों जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर व ज्योतिबा फूले आदि ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए पुराने विचारों तथा रूढ़ियों का विरोध शुरू किया। उदाहरण के लिए राजा राममोहन राय ने सभी के लिए आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने की बात की। ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह, विवाह के बाद लड़कियों को ससुराल भेजने के लिए न्यूनतम उम्र तथा लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रयास किए। ज्योतिबा फूले व सावित्री बाई फूले ने कमजोर वर्ग के बीच शिक्षा व समाज सुधार के कई कार्य किए। सावित्री बाई फूले 1831 से 1897। भारतीय समाज में विभिन्न वर्ग के साथ भेदभाव, हिंसा और अत्याचार होते थे। विशेष वर्ग के लोग श्रेष्ठ व पूजनीय माने जाते थे। वे ही समाज के नियम बनाते और धर्म नीति और पाप का भय दिखाकर नियमों का पालन करवाते थे। इस पर स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता एवं सम्मान पाने का अधिकार नहीं था। स्त्री शिक्षा के प्रति आम धारणा थी कि यदि वे पढ़ लेंगी तो विधवा हो जाएंगी। सावित्री बाई फूले का मानना था कि सही शिक्षा से ही स्त्रियों को सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने शिक्षा को अपना अस्त्र बनाया। सावित्री बाई ने तय किया कि शिक्षा के सहारे ही लोगों के मन मस्तिष्क में बदलाव लाया जा सकता है एवं वैज्ञानिक सोच पैदा की जा सकती है। सावित्री बाई ने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ बराबरी से सहभागिता निभाते हुए कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा का काम शुरू किया। उन्होंने सन 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। इसके बाद उन्होंने सन 1897 तक 17 स्कूल और खोले। सावित्री बाई फूले खुद अनपढ़ थी। अपने पति ज्योतिबा फूले के सहयोग व प्रोत्साहन से उन्होंने स्वयं पढ़ना लिखना सीखा था। वे अपने स्कूल की पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके स्कूल के पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों में नीति बोध कथा, बाल बोध, शुद्ध व्याकरण, गणित, भूगोल, मराठों का इतिहास, एशिया, यूरोप और भारत के मानचित्रों की समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता था।
फूले दंपत्ति को विशेष वर्ग के लोगों द्वारा घोर विरोध का सामना करना पड़ा था। इन जातियों के प्रभावशाली लोगों के डर से ज्योतिबा के परिवार ने भी स्कूल बंद करने का दबाव डाला, उन्हें घर से निकाल दिया। सावित्री बाई को विशेष वर्ग के लोगों ने कई तरह से प्रताड़ित किया। उनके स्कूल के मुख्य द्वार और स्कूल के आंगन में गंदगी फैला दी जाती थी। लोग उन्हें रास्ता चलते भला बुरा कहते थे। उन्होंने इन सब बाधाओं और प्रताड़नाओं का शांति और दिलेरी से सम्मान किया। वे अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं डगमगाई और लगातार अपना काम करती रहीं। सावित्री बाई व ज्योतिबा फुले नाटकों, गीतों, कविताओं जैसी ललित कलाओं द्वारा कई गतिविधियां करवाते थे। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य बच्चों में समाज सुधार और आगे बढ़ने की चेतना का विकास करना था। सावित्री बाई एक कवित्री भी थी। उनकी कविताओं में समाज के शोषित लोगों के प्रति अपार सहानुभूति थी। उनका काव्य संग्रह काव्य फुले बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि मराठी साहित्य में नवजागरण आंदोलन का प्रारंभ इसी पुस्तक द्वारा हुआ। वे भारत की शुरुआती महिला समाज सुधारकों में से एक थी। यह प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके इन प्रयासों ने शोषित महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष का रास्ता दिखाया था।